लगातार तेजस्वी चुनाव को लेकर सभाओं में घूम रहे हैं, लेकिन मानो सभा नहीं रैली है। और इसका नज़ारा लगभग तेजस्वी के सभी सभाओं में देखने को मिल रहा है। भीड़ बेकाबू नज़र आती है और लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जिस मंच पर बैठे हैं उस मंच के करीब किसी प्रकार पहुंच जाएं। जहानाबाद गांधी मैदान में भी सभा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर तेजस्वी के मंच के करीब पहुंच गए। पुलिस भीड़ को रोक नहीं पाई। जहानाबाद गांधी मैदान में राजद द्वारा आयोजित चुनावी रैली में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित किया और अपने उम्मीदवार सुदय यादव के समर्थन में लोगों को वोट करने का आग्रह किया। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, नीतीश कुमार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। सात निश्चय योजना में पूरी तरह से सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। लोगों के घर पर पानी पहुंचाने के नाम पर जिस तरह से सरकार ने लूट की है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में मेरी सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात दोहराते हुए कहा कि पहली कैबिनेट में पहले कलम से मैं लोगों को रोज़गार दूंगा। बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में पहुंचे। इस दौरान सभा में भीड़ बेकाबू दिखी और पुलिस मूकदर्शक